हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सोनाली श्रीवास्तव, योर SST टीचर। टुडे आई विल टीच यू सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन सेकेंड। स्केल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द साइज ऑफ ईच कंट्री एंड सिटी ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कंट्री का साइज या सिटी की साइज को हम मैप पे दर्शा सकें। फॉर एग्जाम्पल, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता इज अबाउट 1400 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब डिस्टेंस देखिए, दिल्ली एंड कोलकाता के बीच में कितना है ग्राउंड पे, 1400 किलोमीटर। बट ऑन द मैप डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज रिड्यूस्ड टू जस्ट 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कम करके मैप पे कितना दिखाया गया, 14 सेंटीमीटर। सो वी कैन से डैट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर अगर ग्राउंड पे है तो उसको मैप पे कितना दिखाया जाएगा, 1 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ मैप। इसको क्या कहते हैं, स्केल ऑफ मैप। स्केल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो स्केल क्या डिफाइंड करता है, क्या रेशियो निकलता है, डिस्टेंस ऑन द मैप, जो डिस्टेंस है मैप पर किसी दो सिटीज़ के बीच में, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और जो ग्राउंड पे उसका क्या है, रेशियो एक निकाल के उसको पैमानों को दिखाता है। अ मैप विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड स्केच। ठीक है, ऐसा मैप जो बिना स्केल का हो, बिना पैमाने का हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्केच। देयर आर टू वेज ऑफ शोइंग द स्केल ऑन द मैप। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं स्केल को शो करने के लिए। पहला क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वल टू 100 किलोमीटर, विच मीन्स डेट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो 1 सेंटीमीटर क्या है, तो अगर 100 किलोमीटर किसी भी शहर के बीच की दूरी है तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 सेंटीमीटर मैप पर, और विच बाय मीन्स ऑफ लाइन। ठीक है, अब लाइन के माध्यम से सीधा फिगर, आप फिगर देखिए, द लाइन इज डिवाइडेड इन टू मेनी पार्ट्स। लाइन को क्या है, कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट ऑफ लाइन शो सम ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, हर एक लाइन का हर एक पार्ट क्या है, कुछ ग्राउंड डिस्टेंस को दिखाते हैं। इट इज़ मार्क ऑन ए स्केल। ठीक है, ये कुछ पैमाने पे चिन्हित किए जाते हैं। मेनी टाइप्स उसका, सॉरी, कन्वेंशनल साइन और सिम्बल्स। ठीक है, अब कन्वेंशनल साइन और सिम्बल्स क्या है, मेनी टाइप्स ऑफ साइन एंड सिम्बल्स आर यूज टू शो वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ मैप। ठीक है, कन्वेंशनल साइन सिम्बल्स मीन्स पारंपरिक प्रतीक और चिन्ह। ठीक है, तो कई तरह के पारंपरिक प्रतीक और चिन्ह यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, मैप पे किसी भी सूचना को दिखाने के लिए, तरह तरह के सूचनाओं को दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अ मेटल रोड इज डिपिक्टेड बाय टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, एग्जांपल के लिए मेटल रोड को दो लाइन द्वारा दिखाया गया है। नीचे आप देखिए चार्ट में मेटल रोड, उसके सामने दो लाइन है। अ कैपिटल सिटी इज मार्क्ड ऑन अ मैप बाय ए स्मॉल सर्कल। ठीक है, कैपिटल सिटी कैसे दिखाया गया है, स्मॉल सर्कल इनक्लोज्ड विद इन अ बिगर सर्कल। ठीक है, तो कैसा है, एक बड़ा सर्कल, उसके बीच में एक छोटे सर्कल के द्वारा कैपिटल सिटी को दिखाया गया है। इफ़ वी मेमोराइज दिस कन्वेंशनल सिम्बल्स, अगर हम इन कन्वेंशनल सिम्बल्स को याद कर लेते हैं, दे हेल्प अस टू रीड इंफॉर्मेशन गिवन ऑन मैप्स। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करते हैं क्या करने में, किसी भी सूचना को मैप में पढ़ने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। कलर्स। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो वेरियस लैंड फॉर्म। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स क्या क्या दिखाते हैं, तरह तरह कलर क्या कहते हैं, तरह तरह के लैंड फॉर्म को दिखाते हैं। मैप्स यूजली फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ कलर्स। ठीक है, मैप क्या है, इस पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है। वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, रिवर्स, सीज एंड लेक्स आर शोन इन ब्लू कलर ऑन अ मैप। ठीक है, वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियन हुए, रिवर्स में, सीज में, लेक में, इनको किसके द्वारा, ब्लू कलर के द्वारा दर्शाया गया है। ग्रीन कलर डिपिक्स प्लेन और लोलैंड। ठीक है, ग्रीन कलर किसके, प्लेन और लोलैंड को किसके द्वारा दर्शाया गया है, दो लोलैंड में समतल भूमि और प्लेन, तो किसके द्वारा दर्शाया गया है, ग्रीन कलर के द्वारा। माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर शोन इन ब्राउन। ठीक है, तो माउंटेन्स यानी पर्वतीय क्षेत्र, हाईलैंड्स मीन्स पर्वतीय क्षेत्र और माउंटेन मीन्स पर्वत, तो इसको किसके द्वारा दर्शाया गया, ब्राउन कलर के द्वारा। प्लेट्यूज आर मार्क्ड इन येलो। अब प्लेट्यूज को किसके द्वारा मार्क किया गया, येलो के थ्रू। दिस की इज यूज इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इनको किस क्या है, हर देश में यूज़ किया जाता है।
सी द मैप शोइंग द स्कीम ऑफ कलर्स यूज्ड। ठीक है, तो आप मैप को देखिए जो रंगों का संयोजन क्या है यूज़ किया हुआ है।